पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें एक बार फिर 9 दिसंबर को मुल्तान के इस क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगे। 2005 में भी पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें इसी मैदान पर खेल चुकी हैं, जहां पर मार्कस तिरस्कोटिक ने 193 की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम ने 22 रन से ये टेस्ट मैच अपने नाम किया था। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम अब तक 5 टेस्ट मैचेस की मेजबानी कर चुका है, जिनमें 2 बांग्लादेश, 1 वेस्टइंडीज, 1 इंग्लैंड और 1 रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ यहां पर मैच खेला जा चुका है। 5 में से पाकिस्तान ने 2 बांग्लादेश के खिलाफ इसी मैदान में मैचेस जीते, 1 इंग्लैंड के खिलाफ जीता, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला मैच ड्रॉ रहा और रिवायती हरी भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी मैदान में भारत के बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 309 का एक इनिंग में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया हुआ है। इस मैदान में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं जनाब दानिश कनेरिया, और जिन्होंने 3 बार 5 या उससे ज्यादा विकेटें लेने का कारनामा भी अपने नाम किया हुआ है। इस मैदान पर क्रिकेट के 2 अजीम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा भी टेस्ट मैच खेल चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने यहां पर 194 की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि ब्रायन लारा ने 216 रन यहां पर जड़े थे। 2003 का पाकिस्तान बांग्लादेश का वो टेस्ट मैच तो याद ही होगा कि जिसमें इंजमामुलक ने 138 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेल के पाकिस्तान को शिकस्त से बचाया और पाकिस्तान ने वो मैच 1 विकेट से जीत लिया था। इस मैदान पर आखिरी टेस्ट मैच 2006 में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान खेला गया था। क्या पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करेगा या इंग्लैंड की टीम ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर लेगी, ये तो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस से ही अंदाजा हो सकेगा।